गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पहली पवित्र खिचड़ी चढ़ाई, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मकर संक्रांति का पावन पर्व है तथा इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बाबा गोरखनाथ का कपाट खुला है तथा बाबा गोरक्षनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा शुक्रवार से ही श्रद्धालु मंदिर में आकर के आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं तथा हम सब जानते हैं कि भारत में इस मकर संक्रांति पर्व का अपना महत्व है। उन्होंने कहा, जगत पिता की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व अलग अलग भागों में हर ओर नाम और रूपों से मनाया जाता है तथा मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी होता है कि मकर संक्रांति से मांगलिक कार्य का शुभारंभ होता है। इस दृष्टि से यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जिस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति खिचड़ी संक्रांति की बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मकर संक्रांति आस्था का पर्व है, लेकिन साथ ही कोरोना महामारी को भी देखना है तथा इससे बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक जगहों पर जाते हुए मास्क का प्रयोग करें तथा बुजुर्ग, बच्चे व गर्भवती महिलाएं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सब खत्म भाई, कहाँ रुक जाओ, मनाते रहो यार, भाई ला रहा है पीछे जाओ। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा शिवतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है।
ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में मकर संक्रांति के इस पर्व का अपना महत्व है। जगत पिता सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व देश के अलग अलग भागों में, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के शिवतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले, किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले
वो तर्कों में न पढ़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में से जरूर लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं सभी से इस बारे में अपील करूंगा कि हम जरूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हम लोग आस्था को स्वयं के स्वास्थ्य के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य पर हावी होने देते हैं और बाद में उसकी कीमत एक बड़े तबके को चुकानी पड़ती है। यद्यपि जो थर्ड वेव दिखाई दे रही है वह उतनी खतरनाक नहीं है, सावधानी और सतर्कता मांगती है, और अब तक हम लोगों ने इस बात को देखा है कि 99% से अधिक मामले घर में रह करके ही होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और इसके लिए हम लोग जरूर अपनी सतर्कता बरतें। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मकर संक्रांति का ये पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, सभी के जीवन में एक खुशहाली लाए, इस कामना के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।